तो नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है अभी हम अक्टूबर के अंतिम वीक में जी रहे हैं और अभी बहुत जल्दी नवंबर शुरू होने वाला है। तो बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की, और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नवंबर का जो पहला सप्ताह है उसमें साप्ताहिक राशिफल की। तो ये साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 नवंबर के लिए रहेगा और ये चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे 1 नवंबर की। अगर मेष राशि वालों के लिए 1 नवंबर की बात करें तो चंद्रमा आपके राशि स्थान में ही गोचर करेंगे। राशि स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। इस समय में आपको कोई भी हेल्थ संबंधी समस्या नहीं होगी। इस समय आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और जो बॉडी बिल्डर हैं विशेष रूप से जो हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, आप जिम में भी वर्कआउट करते हैं और बहुत ज्यादा आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और शुरुआत का ये जो दिन रहेगा आपका नवंबर में वो काफी कुछ खास रहेगा। इस समय में आप काफी एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मानसिक रूप से भी आप बहुत ज्यादा स्थिर रहेंगे, माइंड आपका इधर उधर विचलित नहीं होगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है चंद्रमा की यहाँ पर, और ये दर्शाती है कि आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो बहुत जल्दी ले पाएंगे, समय पर ले पाएंगे, जिससे आपके सारे काम बनेंगे। समय पर निर्णय लेना एक बहुत ही जरूरी कदम होता है किसी भी काम के लिए। तो इस समय में आप कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ पहले का काम पेंडिंग है उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके प्रति आप बहुत जल्दी से काम कर सकेंगे, बहुत फास्ट काम कर सकेंगे, जिससे आपका काम सक्सेसफुल अवश्य होगा। तो चंद्रमा के आपके राशि स्थान में गोचर से आपके लिए ये बेहतरीन रहेगा। साथ ही आप थोड़े से भावुक जरूर होंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि चंद्रमा की जब पड़ेगी तो आपकी मैरिज लाइफ में कोई समस्या थी अभी तक, या कोई पार्टनरशिप में दिक्कत थी, आपका बिजनेस में दिक्कत थी, बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा था या ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। साथ ही आप पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप राजनीति में हैं या आप फिर जन कल्याण से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो लोग आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उस पर भी पूरा फोकस इस समय में रखेंगे, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं 2 और 3 नवंबर की। 2 और 3 नवंबर को चंद्रमा आपके दूसरे स्थान में उच्च के होकर ट्रांजिट करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं तो राहु के साथ चंद्रमा की ये युति होगी यहाँ पर, और ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ चूंकि उच्च के हो जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी आप थोड़ा सा भ्रमित होने से अवश्य बचें। अगर फैमिली के साथ कोई विवाद चल रहा था अभी तक, या कोई पैसे को लेके इश्यू था, कुछ और प्रकार की समस्याएं आपको आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। साथ ही चंद्रमा के दूसरे भाव में गोचर से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। फैमिली के साथ एक अच्छा रिश्ता आप इस समय में देख पाएंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के यहाँ होने से आपकी वाणी में जो अभी तक बहुत ज्यादा कठोरता चल रही थी वो मधुरता में बदल जाएगी, और आपकी वाणी काफी ज्यादा प्रभावी भी हो जाएगी। तो आप अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से आपको जरूर बचना चाहिए इस समय में, और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में आप ज्यादा से ज्यादा हो सके जहां तक धन की बचत करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, धन अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है, और ये सब अचानक आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा रहस्यमय बातों में आपकी रुचि रहेगी, और कुछ ऐसे विषयों में जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती है। चंद्रमा यहाँ होने से आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि कुल मिलाकर एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े से जरूर बन रहे हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके तृतीय भाव में 4, 5 और 6 3 दिनों के लिए ट्रांजिट करेंगे। तो ये 3 दिन आपको थोड़ी यात्राएं करनी पड़ सकते हैं, इधर से उधर जाना पड़ सकता है, कुछ छोटी दूरी की यात्राएं या फिर लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इस समय में भाई बहनों के साथ का संबंध आपका अच्छा रहेगा, और आप अपने ही जिस नगर में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप हैं, वहीं पर आप छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समय में भाग्य का अच्छा लाभ मिलेगा, पिता का अच्छा सहयोग मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी मेहनत करेंगे। हालांकि चंद्रमा के तृतीय भाव में यहाँ होने से आप अगर किसी भी प्रकार के मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी आपका कोई बिजनेस है, कुछ आप सेल करना चाहते हैं, और बहुत कुछ ऐसा जो आप हमेशा के हमेशा करते हैं, जो आपका एक फिक्स्ड रूटीन है,
वो सारे काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन आप इस समय में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। किसी प्रकार के रिस्क लेने से आप घबराएंगे और कोई भी ऐसा कठोर डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे किसी भी काम के लिए जो आपको आने वाले समय में अनिश्चितता दिखाता हो, परेशानी दिखाता हो। तो ये समय काफी अच्छा है तीसरे भाव में चंद्रमा का ये ट्रांजिट रहने से। जो जातक लेखन वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको काफी लाभ होगा, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको भी काफी ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, आप मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चंद्रमा 9th हाउस को जब देख रहे हैं तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं से डिग्री लेना चाहते हैं या कुछ और आप परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके अलावा जो जातक अभी फॉरेन जाना चाहते हैं वो भी फॉरेन जा सकते हैं या फिर आगे आने वाले समय के लिए प्लानिंग कर सकते हैं फॉरेन जाने की। विशेषकर जो ज़्यादातर यात्राएं रहेंगी वो अपने ही देश में एक से दूसरे राज्य में भी हो सकती हैं। तो ये तीसरे भाव में चंद्रमा आपको रिजल्ट देंगे। उसके बाद चतुर्थ हाउस की बात करते हैं, 7 नवंबर को चंद्रमा अपनी ही राशि में आपके 4th हाउस में मेष राशि के हिसाब से ट्रांजिट करेंगे। तो 4th हाउस में चंद्रमा का आना माताजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दिखाता है, एक बहुत अच्छे रिश्ते को दिखाता है, साथ ही साथ माताजी का अच्छा सहयोग आपको दिखाता है। आपका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, कोई भी ऐसा काम है जो घर से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध घर से है, वो आप बहुत अच्छे से इस दिन कर पाएंगे। और ये समय में आप घर में कोई भी ऐसी वस्तु ला सकते हैं, कोई विलासिता की आरामदायक जो वस्तुएं हैं वो ला सकते हैं, तो आप इनका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं इस समय में। आप कहीं ना कहीं इस समय में अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे और घर के माहौल को आप काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो चंद्रमा का 4th हाउस में होना आपके लिए काफ़ी अच्छा ही कहा जाएगा। और ये इस वीक का जो अंतिम दिन भी क्योंकि ये रहेगा तो इस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, मन में एक सुकून महसूस कर पाएंगे और अभी तक अगर कोई परेशानी चल रही थी आपको वो दूर हो जाएगी। चंद्रमा का यहाँ आना दिखाता है माताजी के स्वास्थ्य में अगर अभी तक उतार चढ़ाव चल रहा था तो माताजी का स्वास्थ्य अब बेहतर होगा और उनके द्वारा आप पर काफी प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ से 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपके लिए जो जातक अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है उनके लिए काफी अच्छा समय है। कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, उनके लिए काफी अच्छा समय है। जो पहले से ही जॉब में है उनको प्रमोशन या ज्यादा सैलरी मिल सकती है, तो ये समय काफी अच्छा है। और आपके जो भी सुपीरियर हैं, जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपको जो बॉस हैं उनके साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे, चाहे आप सरकारी विभागों में काम कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। तो चंद्रमा का यहाँ आना काफी आपके लिए शुभ रहेगा और अंतिम दिन ये चूंकि रहेगा तो आपके लिए पूरा वीक ही काफी अच्छा रहने वाला है। तो मेष राशि के लिए इस वीक की जो शुरुआत रहेगी वो भी काफी अच्छे से होगी और इसका जो अंतिम दिन आएगा वो भी काफी अच्छे से आपका बीतेगा। कुल मिलाकर पूरा जो सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा बीतेगा और कोई भी बड़ी समस्या इस वीक में आपको नहीं आनी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए इस वीक में शुभ अंक और रंग के। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट यानी सफेद। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।